جاتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. घंटा बर्बाद 11 जूते भी मार दे
तो ठीक कहता है, आजकल किसी का भरोसा नहीं, बेटी का भरोसा नहीं, पत्नी का भरोसा नहीं। बिल्कुल ठीक, 10 बज गए, छोटी सरकार बड़ी सरकार अभी तक नहीं आई। मोड़े माँ बेटी का ये हाल रहा तो फिर देख लेना, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। और आज थारी फिर मारो भी काई भरोसा सेठ जी, थारे दम के साथ तो मरी डोर बंदी है। मोड़े ऐसा ना बोल, मुझे हंसी आती है। आज से 25 साल पहले सुंदरी ने भी यही कहा था। प्राणनाथ, तुम्हारे संग बनी है मेरे जीवन की डोर, मैं तो बेजबान गाय हूँ, जिधर चलोगे पीछे पीछे चलूंगी। और आज वही गाय मेरे सीने पर सींग मारकर जहाँ चाहती है भाग जाती है। और अथरी, किससे बात करो सेठ जी? सुंदरी से। सुंदरी, ओ सुंदरी, जरा 10 बरस पीछे झांक कर देख के तू क्या थी और आज क्या है, तू किस लिए बदल गई है? मैं इसलिए बदल गई कि मेरा हस्बैंड आई मीन पति ओल्ड मैन था, बिल्कुल ओल्ड मैन। ओल्ड फैशन। सॉरी, ओल्ड फैशन था, बिल्कुल ओल्ड फैशन। ऑर्डर। ये क्या बेहूदगी है? आंटी की जबान फिसल गई तो क्या हुआ? आंटी की जबान से तो लगता है कि सिर से पैर तक टोटल ही फिसल गई। ये चश्मे वाली, जरा बाहर निकल, फिर मैं तेरा टोटल करूंगी। इडियट। मालूम होता है आज की मीटिंग में तुम सब गड़बड़ करने के लिए आई हो। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तक महिला मंडल में शांति थी, घर गृहस्थी को सुधारने की बातें होती थी, अनपढ़ बहनों को शिक्षा दी जाती थी, देश सेवा के लिए स्त्रियां क्या कर सकती, इन बातों पर ध्यान दिया जाता था। तुम लोगों ने आगे यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। आज सारी दुनिया का नक्शा बदल रहा है गौरी देवी, जरा घर के जेल खाने से बाहर निकल के देखो। जी शुक्रिया, फूल की कदर बागीचे ही में होती है, हमें जेल खाना अच्छा। फूल जब किसी के गले का हार बने तब उसकी कदर होती है। थोड़ी देर इसके बाद मुरझा जाते हैं, पांव तले मसल दिए जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये सब मुंह की बातें हैं, पिटे हुए लेक्चर हैं, ढोंग हैं। सही बात तो ये है कि हर औरत के दिल में आजादी की तड़प होती है। मैं उस बहन से पर्दे के बारे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। सच बताइए, अगर आप पर मर्दों का रस्म रिवाज का दबाव न हो और आपको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो क्या आप पर्दा करेंगी? मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो फिर मैं तुम जैसी ऑटो से भी पर्दा करूंगी। मैं समझती हूँ क्लब में बेकार टाइप की बातें शुरू हो गई है। क्या कहा? क्लब? ये महिला मंडल का नाम क्लब कब से हुआ? आज ही से। अब देख घड़ी में क्या बजा है। घड़ी आधा जूता और मारने की तैयारी में है। अब के कम नहीं पड़ गयो सेठ जी, अब तुम्हारे से परेग ना हो। तू भी थक गया है, ठीक है, जब मेरी जीवन साथी मेरी पत्नी मेरे संग ना चल सकी तो तू कब तक चलेगा पदम पर? यह बात नहीं है सेठ जी, पर चलने की भी कोई बात होवे, अब तो मने भी छुट्टी दो और थे भी आराम करो। आराम? आराम तू ऊपर वाला लिखना ही भूल गया मेरी किस्मत। पर अरे ऊपर वाला तो कभी कुछ भूले ही को नहीं, ये तो सब नीचे। क्या हुआ? बोल बोल बोल, आगे बोल। हम हमारी पोजीशन से ऊपर बात करो तो नौकरी चली जावे। देखो पद्मपत, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और डूबते को तिनके का सहारा होता है, मगर मुझे वो भी नहीं है। तुम नौकरी से नंडा खुल के बात कर, जो होगा तो फिर बोल लो। देख अब बता, जब पत्नी घर की मालकिन उल्टे रास्ते चल रही हो तो क्या करना चाहिए? घर के मालिक को 10 जूते मारने चाहिए गिन के। क्या बकता है बदतमीज? माफी सेठ जी, अब समूह पे ताल लो, सच्ची बात वापस निगल लूंगा पर थूकूंगा नहीं। अरे ठहर ना सेठ जी,
मैं चिकनी बात ना करूं तुम फिसल के चौपट हो जाओ या हमारे से ना हो गए। मुनीम लो देखो मारे नाम को ही देखो मुनीम, नीम के तीनों अक्षर है इसमें, रुपए में 12 आने, कड़वा आदमी हूँ। अच्छा भाई कड़वा ही सही, नीम क्या जहर भी पी लूंगा, मगर ये बताओ कि मैं करूं क्या, फंस गया हूँ। देखो सेठ जी लगाम तगड़ी ना होए तो घोड़ी मुंहजोर हो जावे। जरा समझने की कोशिश करो, मैं बात जरा लपेट के कर रही हूँ। बस लगाम टैट करो, मामला बातों से निकल के लातों पे आ गया। नहीं पद्म दत्त पत्त। हाँ पद्म पत्त, इस उम्र में ये मेरे से नहीं होगा, मैं अहिंसा का पालन करता रहा हूँ, पत्नी पर हाथ नहीं उठेगा मेरा। हाथ नहीं उठा तो बाजार में उंगलियां उठेंगी सेठ धन प्रसाद पर। तू कहता तो ठीक है लेकिन थोड़ी लेकिन को छोड़ो, जरा सोचो पत्नी के साथ जवान बेटी भी है। सेठ जी बेटा खराब होवे तो यूं कि जैसे किसी ने घर में से गली में थूका, और बेटी खराब होवे तो यूं कि जैसे किसी ने गली में से घर में थूका। ऐसा आप पदम पर आज मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना, खाने दो मां बेटी दोनों को, मरकर मरोड़ कर रख दूंगा, तुम देखना हटकारे खड़ा तुम्हें लेट जा, तुम्हें हट्टी में से तू कहा आ जाए, हट जा हट जा। गर्मी में आयो आ गई तू, कहे जा कमीनी बेखरम बेहया, वही रुक जा जो आगे बढ़ी। तो हस्ती है काले काले दांत दिखाती, हंसो मत रो। आंख मारती है बासी कड़ी को उबाल आ रहा है, ठहर जा अभी तेरी आंखें निकालता हूं। बनकर घूमती है तुझे पत्नी समाज की कोई परवाह नहीं, तो लगे गुस्सा मिल जाए मैं चढ़ गया। पैसों के तो पहली तो भाग टाइट करने वाला हूँ। ये आपको क्या हुआ है चाचा जी? चाचा जी पति को चाचा जी कहती है देखो ना। और सॉरी सेठ जी यह तो अपना अमर बाबू है। पदम दत्त पत्त। पदम पत्त मैं समझा मेरी पत्नी आ गई है। कुछ परवाह नहीं, मैंने तो सिंपल देख के हौसला हो गया, अब जैसा ट्रेलर दिखाया ना ऐसी मेहरबानी करके पिक्चर भी दिखा देना। मैंने तो क्या मतलब कला और चाची अब तक नहीं है? नहीं बहुत बुरी बात है, ये भी कोई आजादी है घर बार छोड़कर क्लबों में इतनी रात तक घूमना? शायद आपको मालूम नहीं चाचा जी कला आजकल किसके साथ घूमती है। कोई लोफर आदमी है क्या? उससे भी खतरनाक लोफर औरत है जिसका नाम है लाली, शहर के होटलों क्लबों और बदनाम अड्डों में बदबू की तरह फैली हुई है। सुना सेठ जी? अरे आने दे माँ बेटी को, आज कच्चा ही चबा जाऊंगा मैं। अब पानी। बुढ़ा मिल गया मुझे, बुढ़ा मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया। क्या जी क्या है? कुछ नहीं। गुड बाय गुड बाय, कल वेलकम डियर। अरे थारी क्यों जी? कुछ नहीं, इतनी बड़ी कथा टेलीग्राम बन गई। मुनीम जी किसी के हाथ से हमारा खाना ऊपर भिजवा देना और एक एक्स्ट्रा बेड रख देना, लाली आज यही सोएगी। कम ऑन लाली। ठहरो खड़ा,
ये कौन है, क्यों आई यहाँ? तुम कौन होते उंगली उठाकर बात करने वाले? मैं तुम्हारा भाई और ये मेरे चाचा का मकान है। तो सुनो तुम और तुम्हारे चाचा जी, ये मेरी फ्रेंड है, यहाँ आएगी रहेगी, ये मेरा घर। मगर ये इज्जत वालों का घर है, कोई होटल नहीं। शट अप, खबरदार जो मेरी सहेली की इंसल्ट की। कला तमीज से बात करो, अमर तुम्हारा भाई है और बड़ा भाई है। जो मेरी सहेली का अपमान करे मैं उसका कोई लिहाज नहीं करूंगी। चलो लाली। नहीं, इसने मुझे समझ क्या रखा है? बस बस जुबान न खुलवाओ, चुपचाप अपने मनहूस कदम लेकर यहाँ से चली जाओ। यू शट अप, ये जंगली। कला मैंने तो समझा था कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो, आजाद हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक नीच और गंवार लोगों के बीच में लाकर खड़ा करूंगी। शेम ऑन यू लाली। सुनो तो लाली, यू आई शो यू मम्मी। मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? मिस लाली कहां है? वो चली गई, इसने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है। आ मेरे साथ। क्या रे, तूने क्यों इंसल्ट किया? इंसल्ट नहीं की, इसने जो कुछ कहा है अच्छा ही कहा है। क्या अच्छा कहा है? चाची जी वो बड़ी बदनाम औरत है, इस बात को सब जानते हैं। हाँ, एक तुम ही नेक नाम हो बस, इस बात को कोई नहीं जानता। बेशरम, कुत्तों की तरह हमारे घर में हमारी रोटियां खाकर हमें पर भूखते हो। सुंदरी तुम चुप रहो जी, भतीजे की बात आई तो जोश में आ गए। सुंदरी जैसे तुम्हारी बेटी ही नहीं है, इसे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मम्मी अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, आज ही अभी इसी वक्त में जा रही हूँ। नहीं करा। तुम क्यों जाती हो? तुम तो इस घर की शोभा हो, मैं फालतू आदमी हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ दफा हो जाओ यहाँ से, और ऐसे भाषण बाजार में खड़े होकर दिया करो। चलो खबर। मैं नहीं जानता था बेटा कि मेरी शराफत मुझे यहां तक पहुंचा देगी। आज मैं तुझे रोकने के काबिल भी नहीं हूं बेटा। पदमपत, ये मैं क्या देख रहा हूं? जो पिक्चर आगे चल के देखने वाले हो उसका ट्रेलर। हेलो, मैं मैडम सुंदरी धनप्रसाद हूँ। हेलो, बोलिए। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। अमर बाबू घर से निकल गए? हमेशा के लिए निकल गए। हमेशा के लिए निकल गए? हमेशा के लिए निकल नहीं गए, दफा हो गए हमेशा के लिए यहाँ से। इडियट। गुड मॉर्निंग अमर, बड़ी देर कर दी आज। ये ऐसे कोई खास बात नहीं। अच्छा देखो, केशव और साधुराम का टेलीफोन आया था, कहते हैं कि माल उनका अभी तक रंगून नहीं पहुंचा। जी मैंने रोक दिया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस से ज्यादा मुझे अपनी कंपनी की नेकनामी का ख्याल है। हाँ, उन्होंने पेटियों के ऊपर जो लिखा है अंदर वो माल नहीं। वो माल नहीं, फिर क्या? अफीम और गांजा। क्या? जी हाँ। आई सी। मैं उन्हें 3 दिन की नोटिस दे रहा हूं कि माल वापस ले जाए, वरना वरना कुछ नहीं। ये शिपिंग कंपनी है, नॉट ए पुलिस स्टेशन। एनीवे आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सॉरी। अमर बेटा रात जागे हो लगता है। हाँ काका, ऑफिस के कामकाज में रात के 2:30 बज गए थे। और फिर नई जगह जल्दी नींद भी तो नहीं आती। हाँ काका, नई जगह। मैंने अभी अभी घर पर टेलीफोन किया था। दरअसल काका, रात में होटल में सोया था। होटल में? क्यों? चाची ने कुछ कह दिया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
गुस्से में अक्सर ऐसा हो ही जाता है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं काका, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, सेठ जी तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहती। मैं भी तो उनको अपने पिता के समान समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ काका, ये चाची के विचार कुछ मुझसे मिलते नहीं है। मगर ये होटल में कब तक ठहरोगे? जब तक कोई नई जगह का इंतजाम नहीं होता। एक बात कहूँ, मगर ना मत करना। नहीं काका, होटल ही ठीक है। मुंह की बात तो समझ गए, मगर दिल की बात नहीं सुन। असल में काका, मैं आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ तो फिर सुन लो, अगर मेरा छोटा सा घर छोड़कर तुम कहीं और रहे तो मुझे बेहद तकलीफ होगी। अब बोलो। अच्छा बस, आओ मुमताज, आओ। चले आओ। गौरी, ओ मिस्टर गौरी। जी बाबा, ये क्यों उठाला है आप? तू यहाँ क्या कर रही है? काम कर रही हूँ बाबा। वो काम वाली की बच्ची अभी तक नहीं आई, आज तो मैं उसे निकाल दूंगी। अच्छा अच्छा, आओ आओ, अंदर आओ। कौन काम वाली? अंदर नहीं आना, मैं छत तोड़ दूंगी। तू अपनी ही बच्ची जाती है, आओ। मैं कहती हूँ नहीं आना, नहीं आना। अरे जी नहीं, ये कौन? ठीक 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 ठीक। अरे राम राम, देखो तुझे क्या हो गया। काका, हाँ, कैसा लगता? बिल्कुल भूत जैसा। अरे तू खड़ी खींची क्या कर रही है? गुस्सा किस पे और निकाला किस पे? जानती है कौन है? अमर बाबू, और यह है मेरी बेटी गौरी। बड़ी होशियार, लिखी पढ़ी सयानी। अरे ये तो तुमने अपनी आंखों से? हाँ काका, वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बड़े खूब परिचय हुआ। काका, एक बात अच्छी हुई आज, आटे का टेस्ट मालूम हुआ। अरे बेटा शुक्र करो जो डब्बा हाथ से नहीं छूट गया, वरना उसका भी टेस्ट मालूम हो जाता। अरे बेटा गौरी, जल्दी से इनके नहाने धोने का इंतजाम कर, आज से ये यहीं रहेंगे। चलो बेटा ऊपर। अरे छी 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 छी, आटे से बिल्कुल सड़ गया था। चलो क्या स्वागत हुआ। आओ आओ। ये रहा तुम्हारा कमरा। इस छोटी सी जगह में कितनी शांति है काका। एक कमरा पसंद आया? पसंद आया? अरे काका बहुत ही पसंद आया। हंसे क्यों काका? हंसने की बात ही है बेटा, कहाँ तुम्हारा इतना बड़ा आलीशान बंगला और कहाँ ये देर घाट की खोली। नहीं काका, बड़ा बंगला किस काम का, जहाँ लोगों के दिल छोटे हो, प्यार मोहब्बत का नाम ही ना हो। सच कहता हूँ काका, यहाँ के मुकाबले में वो जेल खाना लगता है मुझे। बड़ी ऊंचे विचार हैं बेटा तुम्हारे, सुनकर बड़ी खुशी हुई। अब काका, ये खोली बोली कहकर मुझे शर्मिंदा न करना। अच्छा अच्छा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। अरे काका ये क्या? अरे नहीं, ये क्या किया? क्यों, क्या बात है? अभी मालूम पड़ जाएगा। ये लो आगे। क्या चाहिए बाबा, क्यों बुलाया मुझे? इनसे पूछो बेटा, डोरी इन्होंने खींची। अच्छी, वो मुझे इसका मालूम नहीं था। खैर, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया, मेरा मतलब किसी और पे निकल गया। कल जब वो नौकरानी आ जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, अब आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं कमरा साफ करती हूं। ठीक ठीक, चलो बेटा चलो। तुम्हारे आ जाने से मुझे फायदा हो गया। क्या काका? बोझ बढ़ गया। इसके हाथ का खा खा के देखो तो सही, मेरा क्या हाल बन गया। क्या बाबा, आप भी आप इनकी बातें कहना चाहिए, आप खाइए। हाँ मैं तो खाऊंगा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे क्यों नहीं आएगा मजा, महिला मंडल में ये लड़कियों को खाना पकाना सिखाती रही।
महिला मंदिर? आप वहां भी जाया करती हैं? आजकल नहीं जाती। क्यों? कहती है वहां आजाद किस्म की फैशनेबल तितलियां आ गई हैं। फैशनेबल तितलियां? आपका मतलब कला और लाली से तो नहीं? अरे आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ, कला मेरी बहन है। ओ, माफ कीजिएगा, फैशन से मेरा मतलब कुछ और नहीं था। कला को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अंग्रेजी शिक्षा और दूसरी बातों में। देखिए, पर्दा डालने की जरूरत नहीं, मुझे खुद कला का चलन उसका लाली से मेलजोल अच्छा नहीं लगा, इसी कारण झगड़ा हुआ और मैंने वो घर छोड़ दिया। अरे बातों ही बातों में आपने तो पूरी बनाना ही बंद कर दी, और नहीं खिलाएंगे मुझे? अरे ले जल्दी कर बेटा जल्दी। एक सेट चार पाउडर, चार लिपस्टिक, छह क्रीम, बारह पन का खराब थारी। धीरे बोलो धीरे, थारी जबान चल रही है, मारो कलम। फिर से शुरू हो जा। एक सेट चार पाउडर, चार लिपस्टिक, छह क्रीम। ये सब क्या है? मेकअप को सामान। अब किसके लिए? छोटी सरकार के लिए। ओ, कला के लिए? मगर उसके लिए तो पिछले शनि को माल आया था। पिछले शनि का माल देसी था, तोड़ ताड़ के सब फेंक दिया। ये विलायती है। मैंने मुझे इस लड़की के रंग ढंग अच्छे नजर नहीं आते। जैसी संगत वैसी रंगत। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सेठ जी। दो को दो में जमा करो के जरब दो, टोटल चार ही आवे। क्या मतलब? मतलब के अब नरमी करो के सख्ती। छोटी सरकारी काबू में आने की नहीं। एक उपाय है। क्या? लगन। अब पदम दत्त पद, पदम पद कवाल कर दिया तूने, बस जल्दी से इसका लगन कर दो। मगर लड़का। अरे तू जो है कहीं से लड़का ढूंढ रहा? माटा राई करूंगा, वादा नहीं करता। मुनीम जी और आत्था जी। एक संगीत मास्टर चाहिए जल्दी। संगीत मास्टर? क्यों सुना नहीं तुमने? सुन तो लिया सरकार, किंतु बड़ा किंतु संगीत बड़ी विद्या है। सरकार ने छोटी उम्र में ध्यान दिया होता तो बात बनी होती। मेरे लिए नहीं चाहिए संगीत मास्टर, मेरी बेटी कला के लिए चाहिए। किंतु अगेन किंतु हमारे बोलने का मतलब ये है कि हीरे की परख जोहरी जाने, माठेरा चोपड़ा लिखने वाला संगीत मास्टर के बदले बैंड मास्टर आ गया तो। मुनीम जी, मालूम होता तुमने कहीं दूसरी नौकरी देख ली है। नहीं सरकार। तो फिर देख लो। अरे सॉरी सॉरी, मन नौकरी तो नहीं, संगीत मास्टर को जरूर लोगों को कह दे। ये माँ बेटी मिलकर इस घर को नाटक कंपनी बना देंगी। अरे ओ पदम पद, खबरदार कोई मास्टर मास्टर लाए तो। न लाओ तो सेठानी मैंने नौकरी से काटे। अगर ले आया तो मैं रखूंगा क्या? अरे सॉरी, न लाऊं तो वो छुट्टी करे, लाऊं तो तुम छुट्टी करो, मैं तो खामा खाई मर जानी बीच में। तुम मरिया जी, मगर इस घर में संगीत मास्टर नहीं आएगा। अरे सॉरी, थे मारे कहीं पर बाबा शेर बन जाओ। एक बात आई मारे दिमाग में, मामू लुक चला जाऊं छुट्टी पे, आके बोल दूंगा संगीत मास्टर मैंने मिली हुई कौन नहीं।
दोनों की बात रह जाए। शाबाश शाबाश पदम दत्त। जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। चाचा सलाम। जंगली जैसी आवारा जैसे बाल, मेरे बारे में इस दुनिया का है ये ख्याल। सूरत है जंगली जैसी आवारा जैसे बाल, मेरे बारे में इस दुनिया का है ये ख्याल। हाँ परियां समझती है मुझे गुलफाम, परियां समझती है मुझे गुलफाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। देखी है सारी दुनिया मेरी है ये तारीफ, अब मैं अपने गांव वापस लाया हूँ तशरीफ। देखी है सारी दुनिया मेरी है ये तारीफ, अब मैं अपने गांव वापस लाया हूँ तशरीफ। सुबह का भूला घर लौट आया शाम, सुबह का भूला घर लौट आया शाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह दो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। चाहे कह दो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। जाते लोग समझते थे मुझको महमूद, मैं यार जिन दिनों में बम्बे में था मौजूद। आते जाते लोग समझते थे मुझको महमूद, फिर भी मिलाना मुझे फिल्म में काम, फिर भी मिलाना मुझे फिल्म में काम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे
चाहे राधे श्याम, चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे राधे श्याम। ए छोरा, अरे गाना ऐसा कैसा गाता है? अल्लाह जाने कौन हूँ, क्या है मेरा नाम? तने नाम का ही पता नहीं? नहीं। तारे बाप के नाम का? वो भी नहीं। और सॉरी, तो फिर जो बात छुपाने की उसे चिल्ला के क्यों बता रहा? बात ये है काका। ए, मारे साथ रिश्ता जोड़ता है काका, चल ऐसे। अरे तो उखड़ता का को जाता है। मेरे लिए नहीं चाहिए संगीत मास्टर, मेरी बेटी चला के लिए चाहिए। मालूम होता तुमने कहीं दूसरी नौकरी देख ली। नहीं सर, करनी तो फिर देख लो। संगीत मास्टर, अरे गुमनाम, ए गुमनाम। क्या जी, गुमनाम बोल रही? अरे थारो पता ठिकानो कहीं है, तुम रहता किधर है? अपन संगीत की दुनिया में रहता है। शाबाश, नौकरी करेगो? अपन नौकरी नहीं करता, अपन नौकरी कराता है। थारी लखपति सेठ है, मुंह मांगी तनख्वाह मिलेगी, खाना पीना फ्री। अपन सेठ को नौकरी नहीं सिखाएगा बाबा। सेठ को नहीं सिखाने का है, सेठ की छोकरी को। छोकरी? छोकरी है तो फिर नौकरी पक्की, लेकिन तुम उधर क्या करता है? अरे मैं तो मुनीमगिरी करूं हूं, सारा जमा खर्च मारे हाथ में है। पर थारी जमानत को कहीं? अरे जमानत तो अपन बहुत बड़ी दे सकता है, तुम उनको जानते हो क्या? विद्या भूषण पदम पद, वो मेरे बाप का लंगोटिया यार है। अच्छा, तारे बाप को नाम कहीं है? महादेव पच्चीसिया। अरे अरे तू कहीं पशुपति तो नहीं? हाँ मैं पशुपति। अरे मां पदम पद काका। अरे वाह, मारा तो डबल काम हो गया, दामाद भी मिल गया और संगीत मास्टर भी। दामाद? अरे छोकरी बड़ी सुंदर है, मामलो पट जाएगो। पर एक बात है। बोलो। सुन, मैं जैसा बोलूं वैसे ही करना, नहीं तो बचपन में तो हाथ की खाता था, अब लात की खाएगा। और सुन, तू अपना भैंस है ना, एकदम संगीत मास्टर का बना ले, नकली बाल लगा ले, और जैसा मैं बोलूं वैसे ही करना। चल चलो, उधर नहीं इधर चल। तू बाटक है, मां आ रहा हूं। और सुन, जो सबक पढ़ाया उनमें गलती की तो जा राम जी की। सेठ जी बधाई हो, बधाई हो। बधाई काहे की, अकेला ही आया है ना। अरे अकेला हुआ थारे दुश्मन, मैंने तो एक तीर में दो निशाने कर दो ठको। अरे थारी अपनी अपनी ठको, पहली बात सुनो, सेठानी खुश हो जावे। क्यों? उनके मतबल का संगीत मास्टर मिल गया मने। संगीत मास्टर? दूजी बात तो सुनो सेठ जी, थोड़े सवाल का भी सोलान जवाब मिल गया मुझे। अरे सवाल कैसा? कला की शादी की बात नहीं करी थी? ठीक है ठीक है ठीक है। लड़का देखा? अरे देखियो कोई काबू में है, काबू में खड़े है। कहाँ खड़ा है? अरे दरवाजे पे। दरवाजे पे तो फिर उसको बुला कर बाहर ला। अरे सुन सुन, वो संगीत मास्टर उल्लू के पट्टे को यहाँ से भगा। और आप थारे एक को भगाऊ तो नहीं जावे? क्यों? थारो दामाद नंबर एक को संगीत मास्टर है। ओ तो फिर मैं बर्बाद हो गया पदमदत्त। पदमपत? पदमपत मैं बर्बाद हो गया। वो कैसे? मेरी एक ही बेटी है, सोचा था कि किसी ऊंचे खानदान में उसका रिश्ता करूंगा, वरना मेरी पत्नी के सगे वालों में कई लड़के हैं। सर जी मैं छाती छाती पे हाथ रख के बोल लूं, ऊंचे ना ऊंचे खानदान का है गबरू, हवा में उड़ा 24 घंटे। मगर उसके साथ ये संगीत क्यों? अनार में ये सड़ा हुआ दाना का है। और थारे अकल की बात करो सेठ जी, सड़ा हुआ दाना काट के छोकरी की तरफ फेंको, उनको संगीत मास्टर मिल जाएगा, थड़े दामाद दोनों ही घर पक्के। अरे पदम दत्त बात। हाँ पदम पद ज्यादा ज्यादा जा, उसको आवार लाऊं, डंडा वटे जान दो, बैठो। पशु पशु, सेठ जी बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? नाम संगीत सेवक नृत्य श्रोमणी
राजा पशुपति महादेव आनंद पच्चीसिया। तो 25 आदमी इसकी टोली के साथ और सारे इनके साथ। नाना संगीत सेवक मतबल संगीत का पुजारी नृत्य शिरोमणि थे बताओ थे तरंग ताथु तरंग तक थुन थुन तक थुन थुन तिरंग थाई बैठ जा या हुयो नृत्य शिरोमणि राजा पशुपति इनको नाम महादेव पूज्य पिताजी आनंद या नाम से कविता बोले लिखे कोई दूसरे ये पच्चीसिया पच्चीसिया अंग्रेज में 25 गांव बैठ की अभी तक है कहाँ गए जी बस अंग्रेजी चला गया जाने से दो दिन पहले उसी को वापस दे दिए अमानत में खयानत ये की है इनको खड़ा हो जा खड़ा हो जा मर जा गाड़ी गाड़ी बढ़ जय राम जी की बोली सरकार भगवान ने हमारी नौकरी और लाइफ दोनों ही बचा ली यारियो थरो संगीत सम्राट छोकरी है तो फिर नौकरी पक्की उम्र ज्यादा उम्र ज्यादा है उम्र ज्यादा उम्र ज्यादा उम्र ज्यादा कठे भाग रही है उम्र ज्यादा उम्र ने चाटे को कहीं शादी तो इसी से करनी है बारात थारी धीरे बोल धीरे उनको खसम अठे बैठे है सुन ले गो तो थने और मने दोनों को जूते पड़ेंगे जूते या तो उसकी मम्मी है चुकंदर बेटी तो है अंदर अच्छा अच्छा हाँ तो चलो मुझे अंदर चल पधारिए पधारिए या कलाकार लोग जंगल पहाड़ व्याभानों को प्यार करे हैं मटको भाग रहा था पकड़ लाया मगर इसने क्या कहा था उम्र ज्यादा है किसकी उम्र ज्यादा है मैं तो कुछ सुनी को नहीं कहीं बोले रे हाँ है? बोला था उम्र ज्यादा है हमारे गुरुदेव के अनुसार संगीत और नृत्य सीखने के लिए 20-25 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और देवी दिखने में भले आप जवान लगती हैं किंतु आपकी उम्र 28-30 से कम नहीं सॉरी इतना सही अंदाज है मुनीम जी, जी आप तो बहुत गुणी कलाकार लेकर आए हैं अर्थात मास्टर जी मास्टर जी आइए मेरे साथ काम काम आजकल सिर्फ अंग्रेजी में बोलती है इसको फिर हिंदी में ले कम मास्टर जी कम जरा यही कह रही है वेट मैं अभी आती हूँ अरे कमाल कर दिया रे सेठानी की अगली उम्र खा गया अबे 28 साल तो शादी को हो गए लेकिन लेकिन लड़की कितनी बड़ी है जिस हिसाब से तूने माथ का टोटल मारा है ना बेटी तो अभी पैदा ही नहीं हुई मास्टर जी आ जाइए बढ़ जा गाड़ी ओ जाओ देखा कला ये है तुम्हारे मास्टर जी संगीत के महान कलाकार और महाराज जी ये माई डॉटर मेरी बेटी कला कला देह का रूप देह का यौवन देह की सुंदरता इस धरती की सबसे बड़ी कला यस यस उस पर संगीत की मधुर कला भी अपना रंग जमा ले तो सोने पर सुहागा हो जाता वंडरफुल वंडरफुल व्हाट ए ब्यूटीफुल पोटरी माता जी देवी यदि आपको कष्ट न हो तो हम कला देवी के मधुर कंठ की मधुर आवाज भी सुन ले वाई नाट श्योर आप यहाँ बैठिए मुनीम जी चलिए हम लोग तंबूरा लेकर आए तंबूरा तंबूरा यो कहीं है भाई तंबूरा आइए आइए
take this, master. Kursi. What is this? गला मीठा सुरीला, आवाज में उतार चढ़ाव, ऐसा लगता है जैसे कुएं में गागर जाती है गागर आती है। देवी जी, आपका हीरा अनमोल है, किंतु चमकने की देर है। महाराज जी, ये तो आप ही के हाथ में है, इस हीरे को आप ही चमक दे सकते हैं। चमका देंगे, चमका देंगे। ओ मुनीम जी, जी महाराज जी को मुंह मांगी तनख्वाह दीजिएगा। बिल्कुल। और इनके खाने पीने रहने सहने का फर्स्ट क्लास बंदोबस्त कीजिएगा। मारे पे छोड़ो, मारे पे। पर मैं क्या बोलूं कि सम्राट जी थके हुए हैं, आज तो आराम ही करने दो, कल से सीखना। क्यों छोटी सरकार? आई डोंट माइंड, कल से सीखेंगे। सम्राट जी तंबूरा रखो। अच्छा देवी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पशु यारियो थारो मकान ये जेल। सारी आदमी थोड़े दिन तो जेल में भी काट ले रहे, फिर तो थारे पास बंगला हो जाएगा। बंगला? बंगला? पता खटिया आठ ही मोर्चा जमा ले और बैठ जा जम के। मोर्चा? काका किसी से जंग लड़नी है क्या? सॉरी, या प्यार मोहब्बत या स्त्री पुरुष का मामला, यह भी एक तरह की जंग है। तगड़े दांव पेच मारने पड़े। कैसे कैसे कैसे? सॉरी पूछे कैसे, या थारे तोप के गोले एटम बम, ये सूत्र तो कल चालू हुए। नैनो के तीर तो लाखों करोड़ों बरस से चल रहे हैं। बात तो सच है। अरे सच कहीं, आप बीती है, आप बीती। कुछ मुझे भी सिखा दो काका, तुम तो इस अखाड़े के पुराने उस्ताद हो। तो फिर सुन, लड़ाई के दो यंत्र हैं, मरना के मारना, जीतना के हारना। तू कहीं मांगे बोल। मैं जीतना चाहता हूँ। शाबाश। तो फिर सुन, लड़ने से पहले सामने वाले की कमजोरी और अपनी ताकत दोनों की जांच कर लेनी चाहिए। अपनी ताकत का तो पूरा अंदाजा है। सॉरी, अंदाजा तो मैंने भी हो गया, टंग छोड़ता हूँ। सुन, लड़की की कमजोरी मां बताऊं, जिस तरह अपने बाप से पहले कोई पैदा नहीं हो सकता ना, उसी तरह कोई सीधी बात उसके भेजे में नहीं आवे। तू बोले दिल तो वो बोले रात, तू बोले सफेद तो वो बोले काला, तू भागे आगे तो वो पीछे, तू पीछे भागे तो वो आगे। आई समझ के बीच? ख्याल ही नहीं रहा मुझे, अनजाने में डोरी खींच ली होगी। आप सोए क्यों नहीं अब तक? नींद नहीं आती। क्यों? न जाने क्यों,
सोच रहा था किसी के बारे में। किसके बारे में? तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है गौरी? गौरी, जब से यहां आया हूं मेरी हालत ही बदल गई है। यूं लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ तुम ही तुम हो और कुछ नहीं, कोई नहीं। मैं जा रही हूं। सुनो गौरी, मेरी एक बात का जवाब दो। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? क्या तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती गौरी? माल पड़ा हुआ है और आजकल बारिश का भी तो भरोसा नहीं। लेकिन नाश्ता करने में कितनी देर लगती है? वैसे मुझे भूख भी नहीं। सुनिए, चाय तो पीते जाइए। हाँ। काका कहाँ है? अंदर है। रात को जाग रहे थे क्या? मालूम हुआ क्या? वही रात वाली बात। ऐसे लगता है कुछ बोल रहे थे तो फिर उनको कैसे मालूम होगा? सुबह से बात ही नहीं की। मैं जा रहा हूँ। ठहरिए ठहरिए, बाबा को तो आने दीजिए। नहीं बाबा। सुनिए ना, पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? क्या पूछेंगे? क्या पता क्या पूछे, आप रहते तो ठीक था। नहीं नहीं, देखो काका मेरी बहुत इज्जत करते हैं और फिर कल जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। कैसे मर्द हो, अब दोनों की बात है तो दोनों पे आनी चाहिए। मुझे अकेले को छोड़कर कहाँ भागते हो? अरे काका, ये लो। अरे घर नहीं चलोगे? नहीं काका, काम बहुत बाकी रह गया है। आप जाइए। जाइए साहब, आप बैठेंगे क्या? हाँ, सुनो, एक कप चाय ले आना। दो कप लाना। मर गए अमर बेटे जी। एक बात कहनी है तुमसे, सोचता हूँ कैसे कहूँ। किसके बारे में? गौरी के बारे जी। तुम तो अनकही भी सुन लिया करते हो बेटा, आज अगर समझ जाते तो मैं कहने की शर्म से बच जाता। काका मुझसे गलती हो गई काका, वो बेख्याली में घंटी पे हाथ चला गया मेरा। घंटी? कैसी घंटी जी? अच्छा अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं काका। अच्छा बताइए क्या बात है? गौरी के संबंध की बात है बेटा। संबंध? कहीं से संदेश आया है क्या? आया तो नहीं, मगर देना है। अच्छा, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? तुम सब कुछ कर सकते हो बेटा। अच्छा बताइए, संदेश कहाँ देना चाहते हैं आप? ऐसी जगह जहाँ सवाल करने के बाद आप भी रह जाए, सिलत ना हो। नहीं होगी काका, मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा। इस दफ्तर में भी आपका यही उसूल रहा है। लेकिन इस्तीफा किस लिए, क्यों छोड़ते हो नौकरी? अब नौकरी कैसे होगी सरकार, जीवन में यही एक चिंता थी जो बूढ़े शरीर में दम भरती थी और मैं हाथ पांव मार लिया करता था। अच्छा काका, मैं जरूर आऊंगा शादी में। बड़ी मेहरबानी है। हाँ सरकार, ये खुशी का मौका बीत जाए, मैं चाबी घर की लौटा दूंगा। लौटाने की जरूरत नहीं, आप अमर को दे दीजिए, मैं समझूंगा मिल गई मुझे। भगवान आपको खुश रखे। महाशय गोपी कृष्ण की बेटी गौरी से। गौरी होश गई डार्लिंग। भाई मम्मी
जिससे अपना महिला मंडल में झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो 50 हो चुका है। वो मम्मी जिसने लाली का हाथ पकड़ा था और फिर सारी पार्टी फटफट फटफट बाहर चली गई थी। ओ हेल, छी 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 छी, 20-20 रुपए की साड़ी बांधने वाली, सुन लिया आपने? इसी भतीजे पर नाज था आपको, नाम डुबो दिया हम सबका, इडियट। सुंदरी, 20 रुपए की साड़ी पहन के कोई घटिया नहीं हो जाती और 400 की पहन के कोई बढ़िया नहीं हो जाती। डैडी, आप हमेशा मम्मी की इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट कैसे बेटी? अच्छा तू ही बता कि ऐसे मौके पर साड़ी की बात करना कोई अकलमंदी है? कैसा मौका जी, उस नमक हराम से हमारा क्या संबंध है? खबरदार उसकी शादी में शरीक हुए तो। अरे ओ सुंदरी, ऊपर वाले से डर, कहीं समय ना उलट दे। जिस माल दौलत पे तू इतना अकड़ती है उसकी एक एक पाई में मेरे स्वर्गीय भाई का हाथ है। नमक का हिसाब लगाएगी तो अगली 3 पुश्तों तक खाने फीके हो जाएंगे। सुन लिया डियर, जो तुम्हारे डैडी का नाम धन प्रसाद है ना, तो इसमें धन किसी दूसरे का है, ये खाली प्रसाद है। चलो मम्मी, कृष्णा, जिस झाड़ू से एक कार के टुकड़े साफ करोगी उस झाड़ू को भी बाहर फेंक देना और फिर अच्छी तरह घर में मेरे पास आना। जाओ। ओ भगवान, ये औरत की दांत तूने किस मिट्टी से बनाई है? बुरे वक्त में कितना अच्छा और अच्छे वक्त में कितना बुरा साथ देती है। तू शादीशुदा होता तो मैं देखता। क्या बात है कला देवी? पहली बात ये कि आप मुझे देवी नहीं मिस कला कहिए, और दूसरी बात ये कि आप 2-3 दिन से मुझे बहुत बोर कर रहे हैं। बोर? अच्छा, तो एक नया राग सुनिए। क्षमा कीजिए। सर दुखने लगा है मेरा। मास्टर, ये 5,000 साल पुरानी चीजें कहाँ से निकाल कर लाते हैं आप? मिस कला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब कोई लाइट चीज सुनाइए, रोमांटिक, जैसे फिल्मी गाने होते हैं। फिल्मी? मिस कला, संगीत के अंदर ऐसा लगता है आपकी मेरी जमेगी नहीं। संगीत के बाहर जमेगी क्या? कैसे? कुछ प्यार और मोहब्बत की बातें करो ना। प्यार कैसा? प्यार नहीं जानते? कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? प्यार? कैसा प्यार मिस कला? हम योगी ब्रह्मचारी, हम प्यार करते हैं संगीत से, भगवान से, गुरु से, धरती से, आकाश से। जिससे करना चाहिए उससे तो नहीं करते? देवी, आप दूर से बात कीजिए। स्त्री से डरते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि स्त्री एक बीमारी है और बीमारी से बचना चाहिए। ए उल्लू, क्या लगता है? देवी, मुझे गालियां मत दो, मेरे भी मुंह में जबान है। कचरा है तुम्हारे मुंह में, इतने नीच विचार है स्त्री के बारे में तुम्हारे। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं दिन को दिन और रात्रि को रात कहता हूँ। ए, क्या नाम है तेरा? पशुपति। पशुपति भी पार्वती के बिना नहीं रह सके थे, शादी करनी पड़ी थी पार्वती से। वह उनकी भूल थी, किंतु यह भूल मैं कभी नहीं करूंगा। पशु, किससे सीखी ये बातें तूने? अपने गुरुदेव से। गधा है तुम्हारा गुरुदेव।
मैं अपने गुरुदेव का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं भी स्त्री का अपमान नहीं सह सकती। अपमान कैसा? दुनिया मर्द के लिए बनाई गई है और भगवान खुद एक मर्द है। तो फिर औरतें किस लिए पैदा की? ये तो ऐसी बात हुई जैसे सब्जियां क्यों पैदा की। अरे सब्जियां खाने के लिए पैदा की और औरतें मर्द की सेवा के लिए पैदा की। अरे पशु जरा आंखें खोलकर देख कौन किसकी सेवा करता है। आज स्त्री मर्द के सर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। बहुत ऊंची जगह बैठी, गिर जाएगी। चरणों में रहती तो ठीक था, गिरने का डर नहीं था। अभी तो मार खाने की बातें कर रहा। जब कोई जवाब नहीं बना तो उतर आई लड़ाई पर। इसीलिए कहते हैं कि औरतों में बुद्धि कम होती। ये सिर्फ इडियट उल्लू और अकल के अंधे ही ऐसा कह सकते हैं। आज औरत ने शिक्षा का मैदान भी मार लिया है, वो जमाने की रफ्तार से भी आगे चल रही है। लेकिन जिस सड़क पर चल रही है वो गोल है, वही पहुंचेगी जहां से चली थी। मास्टर भूत कितने किस्म के होते हैं? मैं कोई भूत भूत नहीं जानता। मैं बताती हूँ भूत कितने किस्म के होते हैं। भूत दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं बातों के और दूसरे वो देखो वो देखो। देवी ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो गधा युद्ध कर रही हो। देवी देवी अगर नीचे को हाथ लगाओ क्या In this most interesting, exciting, single wicket cricket match that I've ever seen. She's bowling at a terrific pace to him and he's doing best to defend himself. Actually, some of the balls reach him, some don't. And the crowd outside is so excited, all of a sudden one goes over the ropes, goodness knows how. And then being single wicket, he turns to the other side and she keeps on a barrage of the fastest over that I've ever come across in my life on any cricket ground whatsoever. She continues to bowl and that one he hit over the ropes, it went straight into a spectator's umbrella, it went for six, probably a no ball. And then she bowls beamers and bumpers and he can't face it any longer. The only way out for him is to run himself out, which he does, believe me, right out of the house. Bhagwani, man bhagwani bhagta hai, phir kabhi yahan se teri taan tod dungi, body body nos dungi, pashu, chalni kahin ka, janwar, idiot! Tune kaha tha na, ek ko bhagaya to dono bhag jayenge, dono bhag gaye, master bhi aur damad bhi. फिक्र मत करो सेठ जी, प्यार में बड़ा बड़ा नाटक होवे। नाटक को छोड़ो, ये तो मेरे से भी निकम्मा निकला। शादी के बाद जो मेरी हालत हुई इसकी तो शादी से पहले ही हो गई पदम पद। पद? अरे पहले तो दत्त करियो फिर पद, थे भी नवा नवा नाम रखो। मेरा दिमाग खराब हो गया है। पर मारी आंख मड़े तो लगे सिद्धि गई। नहीं नहीं चश्मो नीचे आ गयो। अब ठीक ठीक हो गई। मार डालेगा दर्द जिगर, कोई इसकी दवा कीजिए। मार डालेगा दर्द जिगर, कोई इसकी दवा कीजिए। ये वफाएं बहुत हो चुकी आज कोई जफा कीजिए। वो
वफा कीजिए, मार डालेगा दर्द जिगर, कोई इसकी दवा कीजिए। अमर, तुम इस वक्त क्या बात है? आपके साइन बॉस, साइन के लिए यहां आने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में नहीं ले सकते थे? जी, आज सारा दिन आप ऑफिस में नहीं आए, मैंने सोचा शायद आप कल भी ना आए। मैं जानती, साइन एक बहाना है डार्लिंग, असल में ये भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। असल में तुम चुड़ैल की तरह हर जगह मेरे रास्ते में आ जाती हो, तुम्हारे पीछे तो वो पड़े जिसके दिन खराब आए हों। अमर, जानते हो तुम क्या कह रहे हो और किसके बारे में कह रहे हो? जानता हूं बॉस, और मैं चाहता हूं कि आप भी जान जाए। इसका प्यार एक धोखा है, पॉलिसी है, बिजनेस है। आप जैसे इज्जत वाले आदमी को तो इसके साये से भी दूर रहना चाहिए। अमर, तुम लाली के साथ साथ मेरा भी अपमान कर रहे हो। मुझे अफसोस है बॉस, लेकिन मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए सच्ची बात कहना मेरी ड्यूटी है। तो सुनो, आइंदा एक लफ्ज भी इसके खिलाफ कहा तो ठीक ना होगा, ये इस घर की मालकिन बनने वाली है। एक्सक्यूज मी बॉस, औरत या तो एक की होगी या फिर किसी की नहीं, ये इससे पहले कई घरों की मालकिन बन चुकी है। बॉस, भगवान के लिए अपने घर पर ऐसा ताला ना लगाइए जो हर चाबी से खुल जाए। मिस्टर गुप्ता, क्या ये दो कौड़े का आदमी मेरे इंतजार करता रहेगा और आप चुपचाप सुनते रहेंगे? क्या इसीलिए आपने इसे यहाँ बुलाया था? लाली, जाने दो मुझे, प्लीज लेट मी गो। डाली, मेरी बात तो सुनो। ओह नो मिस्टर गुप्ता। अमर, लाली से माफी मांगो। किस बात की मांग? लाली से माफी मांगो, मेरा हुक्म है। आपका हुक्म तो सुनिए, ऐसी आवारा लड़की से माफी मांगकर छूटने से बेहतर है इंसान जलाल के पंजे में फंस जाए। तुम आज से और अभी से नौकरी से अलग किए गए, और कल सुबह तक मेरा मकान खाली न किया तो धक्के मार के बाहर निकल दिए जाओगे। गेट आउट, आज से गेट आउट। देखा मुझ पर कीचड़ उछालने का नतीजा? याद रखना, मेरा नाम लाली है लाली। लाली नहीं, तुम कालक हो, ऐसी कालक जिसे कोई पानी धो ना सके। क्या बात है गौरी? कुछ नहीं, इतनी रात तक हम घर में अकेले पड़े सड़ते रहे और किसी को कुछ पड़ी नहीं। लेकिन सुनो तो। क्या सुनो, आपको फुर्सत ही कहाँ है? सुबह काम, रात काम, 24 घंटे काम, नौकरी है या गुलामी? छोड़ दो ये नौकरी। हाँ हाँ छोड़ दो, नहीं चाहिए ऐसा काम। चलो छोड़ दिया, बांध लो अपना सामान। सामान क्यों, नौकरी छोड़ते हो या घर? पगले, जिसकी नौकरी छोड़ दी वो अपना घर छोड़ेगा क्या? नौकरी, घर, आखिर हुआ क्या? वही जो दुनिया में होता आया है, गई नौकरी। कारण? लाली। लाली वहां कैसे पहुंच गई? बोटाए गंदगी का क्या है, किसी के पांव से लगकर कहीं भी आ सकती। तुम्हारी साहब ने भी नहीं सोचा कुछ, कितनी मेहनत से काम करते थे तुम। इस नशे में कौन सोचता है, और सच पूछो तो दोष मेरा ही था। क्या दोष था तुम्हारा? सच्चाई, सच्चाई इस दुनिया में सबसे बड़ा ऐब है, ये खोटा सिक्का आज कहीं नहीं चलता।
इसी कारण मुझे चाचा जी का घर छोड़ना पड़ा। ऐसा मत कहो, सच्चाई इंसान का सबसे बड़ा जौहर है और इसी कारण हमारा संबंध भी हुआ था। देख लो संबंध का नतीजा, आज तुम्हें भी ये घर छोड़ना पड़ रहा है। घर? घर तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं छुड़ा सकता मुझे। तुम्हारे चरणों में हमें रखा गौरी। अरे अरे अरे, क्यों मैं बचूं, क्यों भाग आया? अरे काका, वो तो किस्मत अच्छी थी जो भाग आया। एक एक चीज उठाकर मार रही थी, उसका बस चलता तो सारा मकान उठाकर मार देती। पर बात कहीं हुई? बात कुछ नहीं हुई, मर्दों को गालियां दे रही थी, मैंने सामने से जवाब दे दिया। महाराज थोड़ी सुनकर चुप हो जाता तो थारा क्या बिगड़ जाता? अरे कैसी बात करते हो काका, गालियां कोई शरीफ आदमी खा सकता है? नहीं, शरीफ आदमी गाली खा नहीं सके, शरीफ आदमी जूते खा के भाग सके। अरे जूता भी तुम्हारी वजह से खाया, अगर मैं भी डंडा पकड़ लेता और उसका भुर्ता बना देता तो वो, अरे बाप रे, बड़े जोर से मारा है जालिम ने। वो कोई लड़की है या सांड है पिछले जन्म का? अरे थोड़ी बड़ी आस लगा रखी थी सेठ धनप्रसाद ने, अब सर पकड़ के बैठा है बेचारा। मैं बच गया, नहीं तो मैं भी सर पकड़ के बैठा रहता। अरे पर अब मैं क्या करूं? तो मैं भी क्या करूं, तुमको दूसरा मास्टर ढूंढ लो, मैं शादीवादी कुछ नहीं करता। ओहो, ये काम अधूरा छोड़ने का था तो फिर हाथ में लिया क्यों था? अरे काम पूरा करते करते मैं अधूरा रह जाऊंगा भाई। अरे थोड़ी हमारी समझ में एक बात आवे। हंसने में भी तकलीफ हो गई। ओहो, ऐसा कर, तू छोकरियां जमा करके बगीचे में राजा इंदर बन जा, मैं छोटी सरकार के कान मरता हूँ, तू आगे में तन तकलीफ हो जाएगी। जी छोटी सरकार। क्यों मुनीम जी, भाग गया तुम्हारा मास्टर? मास्टर तो मैदान का शेर है, भागेगा कैसे? तो फिर आज आया क्यों नहीं? शायद डर गया मिट्टी का शेर। अरे फुर्सत मिले तब आवे ना, अब वो तो छेला बनावा छेला। जी जी छोटी सरकार, मौज उड़ावे वो तो, छोरियां अपना काम काज छोड़ उसके पीछे पड़ी हुई हैं। छोरियां? आपका मतलब लड़की है? और नहीं तो क्या मैं गुड़ियों की बातें करूं? आप भी क्या मुनीम जी, कहां वो पशुपति और कहां लड़कियां, आग और पानी का भी कभी मेल हुआ है? ये बात तो मैं मानूंगा, पशुपति पानी है और कैसी भड़कती सुलगती आग होवे, एक यूं ठंडा कर देवे। मुनीम जी ऐसा मालूम होता है आप कहीं से भंग पी कर आए हैं। और आप थारी हाथ कंगन को आरती कहीं, उसका असली रंग देखना हो तो जाओ अभी गोल बगीचे में, रास लीला जमाए बैठा है। रास लीला अभी देखती हूँ। आप थारी अब आए गो मजो। तत्तियो कैसे देखा है मुझे दियो, इसका मतलब ये हुआ के तुझको मुझसे प्यार है। तत्तियो तत्तियो कैसे देखा है मुझे दियो। डर लगता है ये तो प्रेम नगर लगता है, तेरे साथ मैं कैसे हूँ बड़ा लंबा सफर लगता है। तारा रा 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 रा
देखा है मुझे ए जियो, इसका मतलब ये हुआ के तुझको मुझसे प्यार है। ततियो ततियो कैसे देखा है मुझे ए जियो, मेरी जान तेरा क्या है इदादा, मैं हूँ बंदा सीधा साधा, ये ना हो तू दिल ले जाए करके कोई झूठा वादा। फिर क्या होगा बोल गोरी घूंघट के पट खोल, तारा दीदीरा तारा दीदीरा तारा दीदीरा तारा दीदीरा। नक नक आओ क्यों योगी के बच्चे, वो तेरा ब्रह्मचारी का ढोंग क्या हुआ? कैसा ढोंग, योगी अब भी ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी और ये सब क्या तेरी कालाएं हैं? इनके साथ तपस्या कर रहा था? अवश्य अवश्य, योगी के लिए सारा संसार तपोवन है। योगी इस मार्केट में घूमता जरूर है किंतु खाली हाथ, स्त्री जाति से उसका कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि स्त्री के बगैर रह नहीं सकते? बालिका, योगी को तेरी नीयत में खोट नजर आ रहा है। संगीत के बहाने तुमने योगी को फंसाने की कोशिश की किंतु वहाँ कुछ न बना, अब आउटडोर में डोरे डालने आई हो। अच्छा, तो इतना घमंड है तुम्हें अपनी तपस्या पे? ये घमंड मैं तोड़ कर ही रहूंगी। किंतु कैसे? मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे गले में पट्टा डालूंगी, वो भी कुत्ते की तरह। नामुमकिन नामुमकिन। पहली बात तो ये कि मैं दबने वाला पुरुष नहीं, शादी के बाद तुम्हें ऐसे जलाऊंगा जैसे माचिस की तीली, जलाया फूका और फेंक दिया। दूसरी बात ये कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शादी तो तुम मुझसे कर भी नहीं सकते, शादी तो मैं करूंगी तुमसे, समझा पशु कहीं का? पेटला पेटला बोलती है, पेटली कहीं की? मम्मी मैं शादी करूंगी। ये क्या हो गया एकाएक? कुछ नहीं, बस मैं शादी करूंगी, उस ब्रह्मचारी का मन तोड़ देना है मुझे। कौन ब्रह्मचारी बेटे? नहीं, संगीत मास्टर। संगीत मास्टर? हाँ, बहुत समझता है अपने आप को। अब देखो बेटे, अगर उससे कोई भूल हो गई तो उसके चार पांच जूते मार ले, लेकिन उससे शादी ना कर। राइट हुआ। हाँ कला बेटी, हम तुम्हारी शादी धन दौलत वाले घर में करेंगे। मैं धन दौलत वालों की गुलामी नहीं चाहती, मैं उसी से शादी करूंगी और उसे अपने सैंडल के नीचे दबा के रखूंगी। अब देखो बेटी, इस वक्त तुम जोश में हो और ऐसे समय होश की बात जरा कम सूझती है। जय जी, अगर आप मेरी शादी अरेंज नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर शादी कर लूंगी, सिविल मैरिज। ओ माय गॉड। पदमदर, ओ पदमदर, पदाचारी, कौन है? देखिए क्या कह रही है, तू ही समझा इसे। कोई मामला है? देखो तो खामखा जिद पार गई है, कहती है मैं संगीत मास्टर से ब्याह करूंगी। पदाचारी ना छोटी सरकार, संगीत मास्टर बड़ा आकड़ू है। शादी के बाद मैं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगी। सही समझाओ सेठ जी, मैं तो बचपन से जानू छोटी सरकार जीत पे आ जाए तो नहीं माने। अरे कैसे नहीं मानेगी, मेरा भी कोई हक है, मैं बाप हूँ इसका, इसकी शादी का फैसला मेरी मर्जी से ही होगा। स्टॉप प्लीज, मेरी बेटी को आप इस तरह मत डांटिए। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ छोटी सरकार को मनमानी कर लेने दो, शादी फिर भी नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? छोटा मुंह बड़ी बात, मास्टर संगीत की नौकरी तो कहीं भी कर ले, अब
अपना ही घर देखो ना, पर शादी ब्याह के मामले में खानदान की तगड़ी छानबीन है। चार अपना, हम कोई घटिया खानदान के हैं? उसके खानदान में सरकार का पर लगे हुए हैं, इज्जत कहेगा। अरे बाबा सेठ जी, माटा राई करूंगा, बात दा नहीं करता, छोकरा माने नहीं माने। कैसे नहीं मानेगा, तुम जाओ और उसे जबरदस्ती पकड़ कर यहाँ ले आओ। तुम चुप रहो जी, मेरी एक ही बेटी है, इसकी जहाँ मर्जी होगी शादी करेगी। मुझे नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए दौलत। कम माई डियर डार्लिंग डॉटर, कम इडियट नॉनसेंस। मारो तीर निशाने पे। कमाल कर दिया है, आज तो टेढ़ी लकड़ियां भी सीधी कर दी है तूने पदम दत्त। पत 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 बंगले से मकान और मकान से झोपड़ा, वाह मैं भी खूब तरक्की कर रहा हूं। इसमें भी कोई बात होगी, भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। दिल के बहलाने के लिए अच्छा क्या नहीं। अरे अरे ऐसे शब्द निकालिए मुंह से, हम तो फिर भी अच्छे हैं, वरना इस दुनिया में लाखों ऐसे हैं जिन्हें सर छिपाने के लिए जगह भी नहीं है। अगर तुम्हारे भगवान की मेहरबानियां इसी तरह होती रही तो एक दिन हम भी उन लाखों में एक हो जाएंगे। हाय राम, आपके सोचने का ढंग ऐसा तो नहीं था पहले। पहले मैं अकेला था गौरी, अब तुम भी मेरे साथ हो, मुझे अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। भगवान के लिए सीधे रास्ते से कभी न हटना, बहुत दुख होगा मुझे। दुख मतलब ये कि तुम इस झोपड़े में सुख और शांति की आशा लेके आई। हाँ मुझे पूरा विश्वास है, घबराने से चिंता दूर नहीं होगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। यही तो मैं सोचता हूँ गौरी, ये दिन रहेंगे तो नहीं लेकिन कटेंगे कैसे। हर नया दिन एक नया खर्च लाकर सामने खड़ा कर देता है। थोड़े से जेवर है मेरे पास, आप इन्हें बेच दीजिए। गौरी ये क्या कह रही हो तुम? क्यों भूलते हैं आप, स्त्री का सबसे बड़ा जेवर है उसका पति। वो सब तो ठीक है गौरी, आपको मेरी सौगंध जो आपने मेरी बात डाली, ये लीजिए। कितने बड़े बाप की बेटी और कितनी अच्छी पत्नी हो तुम। चोरी का फल कितना मीठा होता है। है ना? और फल का रखवाला देख ले तो। ओ तो डरती हो क्या मेरे होते हुए भी? क्यों अमित तो गुप्ता के दौलत में से मेरे हाथ क्या लगा, सिर्फ मोटर, ये तो मेरे एक मुस्कुराहट की भी कीमत नहीं है। बेशक बड़ा ही मक्खी चूस मालूम होता है डाली। नहीं ये बात नहीं, कहता है पहले शादी कर लो और शायद मैं मान भी जाऊं। नो डाली, फिर हमारे हनीमून का क्या होगा? होगा होगा होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें गुप्ता का पार्टनर बनाऊंगी। पार्टनर शादी में? नो नहीं नो, वो शादी में नहीं डालिंग, बिजनेस में। ओ आई सी ए पेयर ऑफ शूज। सच कहता था अमर, तुम्हारा प्यार धोखा है, पॉलिसी है बिजनेस। हमें मालूम था कि तुम खड़े हो। खामोश जलील आवारा, मेरे कान और आंखें दोनों धोखा नहीं खा सकते। अब तेरी झूठी लाली उतर चुकी है और कालक सामने नजर आ रही है। गेट आउट। चलो केशव। चलो डाली, मैं इसे कोर्ट में देखूंगी।
अपनी इज्जत का दावा करूंगी। दावा? हाँ, तुमने मुझसे शादी का वादा किया और फिर गए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिट्टी? मिट्टी को मैं बड़ी पवित्र चीज समझता हूँ, उसमें तुम्हारी इज्जत जैसी घटिया और गंदी चीज कभी नहीं मिला सकता। निकल जाओ यहाँ से। थैंक यू। आओ डार्लिंग, चलो। बाय बाय मिस्टर गुप्ता। आप यहां बैठिए। लेकिन डॉक्टर साहब, डोंट वरी। डॉक्टर साहब, मिस्टर गुप्ता, जान बचाने की एक ही सूरत है, इनके एक टांग। ना ना डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। प्लीज देखिए, वक्त बहुत कम है, आपको फैसला करना होगा फौरन। गुड, आइए फॉर्म पे साइन कीजिए। इसका कलर डार्क है। मैडम ये साड़ी देखिए। वेरी ब्यूटीफुल कलर। देखो डियर कितनी अच्छी साड़ी है। रियली मामी, इट्स ब्यूटीफुल। सुंदरी, गजब हो गया, ये शादी रोक दे। क्यों शादी रोक दूं? अमर का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग कट गई। नो मामी, यस यस हरगिज नहीं, ये है बुरे कर्मों का फल। अच्छा हुआ है बीमारी हमारे घर से पहले ही दफा हो गई। सुंदरी, तेरे दिल में जरा भी दया धर्म नहीं। दया धर्म? अरे जिस पर भगवान को दया नहीं आई, उस पर भला हम क्यों दया करें? सारे जगत बन जाएंगे मुंडा जी।
को बुलवाइए। अरे वो नहीं आता। आएगा कैसे नहीं, उसका तो बाप भी आएगा। मैं ला रही हूँ। नो डियर नो, पहले उसे मुझे शादी नहीं करना है, नहीं करना है शादी। कला तुम कहां चले गई? ये कैसा पति, ये कैसी पत्नी है, ये कैसी सुहाग रात? कला, कला, रात का एक बज रहा, फूल भी सूख रहे हैं, फूल तो फूल सुहाग रात भी सूख रही है, मीठे अंगूर खट्टे लग रहे हैं, कहां चली गई तुम? कला, 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 चली आओ कला, चली आओ, मैं कहता हूं चली आओ, चली आओ। हेलो कला, तुम आ गई? हेलो कला, तुम आ गई? कहां गई थी? पिक्चर देखने। पिक्चर? और आज? आज तो सुहाग रात है ना, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, जिस तरह पिक्चर देखने के लिए तुम टिकट खरीदती हो ना, उसी तरह शायद ही एक टिकट है और उसकी पिक्चर का नाम है सुहाग रात। अच्छा, आई एम सॉरी। हाँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई? हुई हुई, बहुत हुई, लेकिन तुम्हारा प्यारा थोबड़ा देख, मुखड़ा देखकर मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। आओ कला, मेरी बीवी, आओ मेरी अर्धांगनी, आओ बैठो, बैठो। अरे ये क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा था स्त्री को चरणों में रहना चाहिए, चरणों में रहने से गिरने का डर नहीं होता। वो तो मैंने बकवास किया था, ये सब पुरानी बातें हैं। कला ऊपर बैठो, कला ऊपर, कला प्लीज जरा दूर हट के बैठिए। क्यों कला? स्त्री एक बीमारी होती है और उससे दूर रहना चाहिए। कला, कला जब प्यार किया तो डरना क्या? और कला, कला मैं सोचता हूँ हम दोनों की जिंदगी भी कैसी जिंदगी है, दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते लड़ते आज पति पत्नी बन गए हैं। देखिए जी, आप मुझे बिल्ली कहिए या कुछ भी कहिए, मगर अपने आप को वो न कहिए। वो क्या कला? कुत्ता। कुत्ता? कला तुम शादी के बाद कितनी बदल गई हो, सब पत्नियों को ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा अब बताइए आपका प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम? हाँ हाँ, आपको कितने बजे चाहिए? 5, 10, 15? कला तुम कैसी बातें कर रही हो, बच्चों की इतनी क्या जल्दी है, अभी तो हम दोनों खुद बच्चे हैं। कला, कला क्या हुआ कला? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मेरे कारण एक ब्रह्मचारी योगी की तपस्या भंग हो गई। अरे कला, तपस्या तो एक दिन भंग होती ही है ना, देखो ना पशुपति को भी एक दिन पार्वती के साथ ब्याह करना पड़ा था। मगर वो तो उनकी भूल थी ना। ना 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 ना, ना। भगवान कभी भूल नहीं करते, भूल तो मेरी थी, तुम भी भूल जाओ। नहीं नहीं महाराज, आप वापस अपने मठ चले जाइए और वहाँ जाके मौज कीजिए। नहीं कला, अब हम यही मौज करेंगे। तुमने सुना नहीं, जिसकी एक नारी वो सदा ब्रह्मचारी। हाँ हाँ कला। अच्छा मेरे प्यारे पतिदेव। कला मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। प्रेजेंट क्या लाई हो, जल्दी दिखाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है।
आंखें बंद करो। चलो मैं आंखें बंद कर देता हूँ, तुम प्रसन्न दिखाओ, कहीं ये सुहाग रात सुहाग दिन ना हो जाए, जल्दी करो। बंदर कहीं का, आज मैं तुझे बता रही हूँ कि घर के अंदर घर के बाहर हर जगह औरतों का ही राज होता है। तू समझता है मैं अपनी इंसल्ट भूल जाऊंगी? आज मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूं। निकला ऐसा ना कहो। निकल जाओ। नहीं 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 मैं कहती हूँ निकल जाओ। मुझे दुनिया में अमर के लिए तुम ही सबसे बड़ा सहारा हो। तुम अगर इस तरह दिल छोटा करोगी तो उसकी हिम्मत और भी टूट जाएगी। सबर करो बहन। कैसे सबर करूं भैया, पत्थर कैसे रख लूं दिल पर? रखना ही होगा, अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। अभी तक नाराज हो मुझसे? आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया? जानबूझ कर तो नहीं किया, फिर भी मैं अपने आप को बिल्कुल निर्दोष नहीं कह सकता। मेरे मन में आपकी तरफ से कोई मैल नहीं, विश्वास रखिए। अमर, विश्वास तो तब रखूंगा जब तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दोगे। क्या? मेरी कंपनी में वापस आ जाओ। अब नहीं, गौरी तुम ही अपने भाई की सिफारिश करो ना। भैया की बात मान लीजिए आप। कैसे मान लूं गौरी, चाहे मेरी मेहनत और शराफत अपनी कीमत खो चुकी है, वहां अपनी बदनसीबी का सौदा करो? नहीं, मैं अपनी खुददारी की कीमत नहीं गिरा सकता। तुम्हारी खुददारी और शराफत की कीमत मैं जानता हूं अमर। लाली ने जो मेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए थे अब वो हट चुके हैं। अमर, तुम्हारे ऊपर जो विपता पड़ी है उसका बोझ तो मैं किसी तरह नहीं बांट सकता, वो तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। लेकिन मेरी पशेमानी को तुम अगर हल्का कर दो तो मुझे थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। कहा मूल जी? सिर्फ मूल जी नहीं, मूल जी मैनेजर कहो, अब मैं मैनेजर बन गया हूं। एवरीथिंग इज इन माई हैंड, आई डोंट यू वरी, कल ही डिस्पैच हो जाएगा। थैंक यू। मूल जी, जी तुम अपनी जगह पर वापस जाओ। जी हाँ, जिसकी जगह वो आ गया। आओ अमर, चलो अपनी जिम्मेदारी संभालो। गिव इट टू मी। अमर बाबू, नमस्ते। चपरासी साहब का ख्याल रखना, किसी बात की तकलीफ ना हो। चल ओके अमर, ऑल द बेस्ट। छोटा मैम साहब किधर गया?
बड़ी मेम साहब के साथ और बड़ा मेम साहब छोटी मेम साहब के साथ और दोनों एक दूसरे के साथ गया। जी हाँ शर्म नहीं आता बोलने को। अंकल किधर है? अंकल 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 पतनी पतनी पत त प न पत पतनी प ग स ग प मेरी पतनी पतनी मेरी पत्नी मुझे सताती है। मेरी पत्नी मुझे सताती है। रे जल्दी निकल जाती है घर से, रे जल्दी निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है। पत्नी मुझे सताती है। मल्हार नगा के देखा कभी बस दीपक राग अलापा 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 अलापा। मल्हार नगा के देखा कभी बस दीपक राग अलापा। मुझ पे न आई जवानी कभी, उस पे न आया बुढ़ापा। ये साठ बरस की बुढ़िया, ये साठ बरस की बुढ़िया, लेकिन फिल्मी गाने गाती है। पत्नी मुझे सताती है। अरे मेरी पत्नी आए पत्नी मुझे सताती है। अरे घर से बाहर तो खुद नाचे थई तथई तथई थई थई, घर से बाहर तो खुद नाचे, घर में मुझे नचाती है। पत्नी मुझे सताती है। मिलके गले दामाद से हाय, खूब ससुर जी रोए। मिलके गले दामाद से हाय, खूब ससुर जी रोए। हाय नदिया डूब के मर जइयो, पर पति ना बनियो कोए। चौकीदार बना के मुझको भाई, चौकीदार बना के मुझको सारी रात जगाती है। पत्नी मुझे सताती है। मेरी पत्नी मुझे सताती है। और थारी भी नाच न जानो, आंगन टेढ़ा बस वो बात है थारी। तुम कहीं समझोगे नारी को, तुम दोनों हो नारी। खाली मुंह से बात करो, दिल में थारे जोश नहीं। उठो बता दो मर्द हो तुम, बंदरिया खरगोश नहीं। नागन से नारी बुरी जो चलत चलत दस जाए, अरे हमसे सीखो इसका मंत्र कैसे बस में आए। कैसे कैसे? अरे थारी चिड़िए के गुलाम इधर। अरे कोई कर
किसी बैंक कंपनी में काम करता है या इस घर का नौकर है? इस घर का नौकर हूँ सरकार। तो फिर ये वर्दी क्या पहन रखी है? मार्किंग तो मैं सरकार। क्या मार्किंग किसको कहते हैं? किसी गाजर को, मूली को, टमाटर को? इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरा ही ऑर्डर चलेगा। उधार लोगी तो खाना क्यों नहीं लाया आप तक? बड़ी मालकिन के मेहमान आने वाले सरकार, टेबल उन्हीं के लिए सजा हुआ है। अगर आप पहले खाना चाहें तो छत पे लगा दूं या रसोड़े में खा लीजिए। रसोड़े में? रसोई को रसोड़ा बोलता है? कल को कहेगा कि बाथरूम में खा लीजिए। अरे गुंजा गुंजा चल 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 टेबल है किसी का मजार नहीं, जो मोमबत्तियां जला रखी हैं। साफ करो इसको। अंग्रेजी बोलते हो? वर्दी पहनकर अपनी भाषा भी भूल गए, हिंदी में बात करो। वर्दी उतारो और धोती पहनो और हमारे लिए शुद्ध हिंदुस्तानी तरीके से भोजन परोसो। आज हम तीनों पहले भोजन करेंगे। बड़ी बनी ना? अरे हाँ बड़ी बड़ी। खाने में क्या आनंद आ रहा है ना? पदम पद छुरियां चमचे कांटे किसने चालू किए? मैं तो लाके अंदर नहीं किए होंगे। उसमें सोचा होगा अगर कोई हमला कर दे तो खाना छोड़ छुरी काटे हाथ में ले ले। अरे तू पानी पिएगा तो रोटी भी खाएगा? मैं पानी की तय जमाता हूँ, इससे खाना आदमी यहाँ तक खा सकता है। आदमी या पशु? यस यस माई न्यू नौकर। इतने गंदे और बदतमीज। इनमें और जानवर में सिर्फ 19-20 का फर्क है, यानी जानवर 19 और ये 20। ये लोग डेली ऐसे ही खाते हैं क्या? यस, हम रोज घर में ना हो तो शायद ऐसे ही खाया करें। शेम शेम, बिजनेस करने मांगते हैं इन जानी लोग को। यस यस गुड आइडिया सिस्टर, गुड आइडिया। वाह वाह, नेता लोग कहते हैं खाना कम खाओ और ये बेशरम मंडे की रात को चावल खा रहे हैं। ये बुढ़ा देखो भालू, इसके पेट का रस्सी टूट जाएगा। और ये पतला बंदर बिल्कुल गधा माफी, भाजी में कॉकरोच होगा तो भी लाल मिर्ची समझ कर खा जाएगा। छी, ऊपर से दांत निकालता है बेशरम मुस्तैदा गधा कहीं का बैसा। कितनी गंदी बात मारती तुम्हारी मुझे। चलो चलो गर्ल्स, बड़े गंदे लोग हैं ये। किसका फोन है? सेठ जी का। लेकिन सेठ जी तो बाहर गए हैं। इधर लाओ। हाँ लाया। सेठ धनप्रसाद बोल रहा हूँ। सेठ जी क्या हाल? हाँ बोलो भाई। क्या कहा? मेरी बीवी ने 50,000 रुपए के जेवरात का ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कैंसल। आए आज नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, कल आओ। क्यों कला, तुमने झूठ क्यों कहा था? ये तो तुम्हारी डैडी है। हाँ हाँ मैंने झूठ कहा था। सुनो, ये है मेरे डैडी और ये है मेरे पति पशुपति। यानी इडियट। मैं पशु हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं ईगल हूँ, मैं जानवर हूँ। चलो मैं।
आई जी है डाटा कम हेयर वही कराई बेटी मम्मी अब मैं किसी को मुझे दिखा सकूंगी तो मेरा मजाक उड़ाइए यस यू राइट मामला वेरी सीरियस हो गया बेटी वेरी सीरियस हो गया मैं उस पशु के साथ नहीं रह सकती मगर बेटी तुम कभी कह सकती हो मुझे तलाक चाहिए तलाक लेकिन बेटी तलाक कोई बच्चों का खेल तो नहीं है मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ मैं उस जंगली के साथ नहीं रह सकती ठीक है लेकिन जरा मुझे सोचने दो आप सोचते रहिए मैं कल इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊँ ओह माय गॉड ये क्या कह रही हो बेटी तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी तुम आराम करो मैं अभी जाकर उन लोगों से फैसला करती हूँ तुम आराम करो मुने हुक्म फौरन घी वाले भाई को बुलाओ कल मेरी मुझे तलाक लगी डाइवर्स सुंदरी ये क्या कह रही है तुम चुप रहो जी वरना तुम्हारा मॉर्निंग एक की जगह दो तलाक हो गए तू डाइवर्स और अच्छा जी बैरिस्टर गिल वाले के साथ तेल वाले का भी ऑर्डर हो गया अरे पतन दाते पत अब क्या होगा फिक्र मत करो सेठ जी अभी हमारे पास आखिरी दावा है ये लो अरे पहले बिल तो लाओ ये लो 780 रुपए ये लो 700 और ये 80 वारी किस्मत 780 रुपए के जेवरात ये 780 रुपए के जेवरात किसके लिए साहब कोई घर बसा रहा है क्या साहब के लिए बसे बसाए घर बहुत है पकी पकाई मिल जाए तो कौन आटा गूंथता है भाई अच्छा लेकिन अब कहाँ हाथ मारा है लंगड़े के घर मगर लंगड़ा जानता है क्या अरे सब जानता है देखो ना पहले दो टांगे थी तो क्या तनख्वाह पाता था क्या 250 रुपए और अब सिंगल टंगड़ी पर डबल तनख्वाह पाता है 500 रुपए 500 रुपए काहे के समझ गया ना क्या कह रही पति के बारे में अपनी पत्नी से जाके पूछ मुझे क्या पकड़ता है मैं तेरी जबान खींचूंगा इतना कीमती हार क्यों लाए भैया मैं नहीं लूंगी गौरी अपने भाई का दिल ना तोड़ो आओ पहन के दिखाओ मुझे मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं ये तो सिर्फ हार है सच कहता हूं अगर तुम्हारी बदनामी का डर न होता तो ये सोने का हार तो क्या सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके डाल देता लो गौरी पहन के दिखाओ मेरा दिल खुश हो जाएगा हाँ हाँ पहन लो गौरी तुम्हारा नाम भी गौरी है और तुम्हारी गर्दन भी गौरी है उस पे ये सोने का हार ऐसा चमकेगा जैसे सोने पर सुहागा पहन लो अपने आशिक का दिल मत छोड़ो क्या कह रहे मक्कार कमीने आज मालूम हुआ तेरी हमदर्दी के पीछे वो कुत्तियां भोग रही थी जिसे फासला कहते तेरी गंदी आंखें इस टूटे फूटे घर में मेरी बेबसी को नहीं मेरी बीवी के गोरे जिस्म को देख रही ये आप क्या कह रहे हैं अच्छा जब तक तुम्हारी बारी ना आए तुम चुप रहो अमर लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया हाँ मुझे बहका दिया इसकी बेरोफाई ने और तेरे कमीने पन ने कमबख्त तू मेरी बदनसीबी का बोझ तो बांट ना सका मेरी भीनी बात ली तूने नहीं। अमर गौरी मेरी बहन है फिर तुझे वो नाम देना पड़ेगा जिसका कहने वाला सुनने वाले से भी जलील होता है अगर इस पाप में मेरी बीवी बराबर की हिस्सेदार न होती तो मैं तुझे जान से मार देता नहीं मैं इस तरह यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर लेके कभी नहीं जाऊंगा पूछ के रहूंगा तो क्या बात मैं से क्या पूछते हो जाकर तुम्हारे उस दलील केशव से पूछो केशव मूलजी हाँ मूलजी जिसने इस हार के साथ साथ मेरी इज्जत आबरू दोनों की कीमत चुका दी अमर मैं जरूर पूछूंगा और अभी पूछूंगा हाँ हाँ जाके पूछ लो उसे पूछ लो जाके उसे आज मालूम हुआ उसने बाप बेटी को मकान क्यों दे रखा था क्यों तो मुझे उसकी नौकरी के लिए मजबूर कर रही थी ताकि मैं दिन भर उसकी ऑफिस में लंगड़ाता फिरूं और तुम यहां उसके साथ ऐश करती रहो
पति से प्रेम की बातें, आशिक से राज की बातें, एक ही सांस में ठंडी और गर्म हवा निकालना यह औरती का काम है, जिसे मैं बड़े बाप की बेटी समझा था वो बड़े बाप की बेटी निकली। तुमसे तो लाली अच्छी है, वो जो भी करती है खुलम खुला करती है। नहीं ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं सीता सावित्री की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं गंगा जल की तरफ पवित्र हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, मुझ पर विश्वास कीजिए। विश्वास उठ चुका है मेरा विश्वास, मैं थूक दूंगा उसके मुंह पे जो कह रहा औरत देवी है। मूल जी के बच्चे जी, तुमने क्या कहा अमर से? किसको? लालच ने मुझे अंधा कर दिया था अमर बाबू। मैं ही वो बाबी हूं जिसने ये सब आग लगाई थी, मुझे माफ कर दो। Oh.
मैं धन प्रसाद गृहस्थी के झंझट से थक गया हूँ। मेरी पत्नी और बेटी ने मिलकर सर्कस का जोकर बना दिया है, मुझे घर नर्क बना दिया है और बाहर मेरा बाल बाल कर्ज में फंसा दिया है। सेठ ओपट लाल झटकमल ना जाने कब कुर्की लेकर आ जाए और लाते मारकर हमें फुटपाथ पर फेंकते। इसलिए मैं हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, महादेव के चरणों में वहीं समाधि ले लूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। ये लो साइन देख लो। ये पोपटलाल कौन है और कुर्की काहे की? अरे इस मकान की और काहे की? हाय हाय मुनीम, तू क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? तूने तो हमारा नमक खाया है इडियट। अरे थारी, समय बदल गया पर जबान नहीं बदली। वाह वाह, डैडी ने भी क्या वीरता दिखाई है, मुसीबत के वक्त बीवी बच्चों को छोड़कर भाग गए। सेठ जी को कोसो हो, अपना कर तू तो भी तो नजर मारो, तुम दोनों ने क्या हालत बना दी थी उनकी। धन बाजार में सिक्का चलता था और अब अपने ही घर में नामो निशान नहीं है उनका। अरे धन प्रसाद, सेठ पोपट लाल झटक मल जी। अरे धन प्रसाद, आप पधारो पटना। पधारो सेठ जी पधारो, बैठो बैठो। पदम पत्र जैसे मैंने कहा था वैसे ही कराना है। ये रहे कुर्की के कागज क्या और वो देख सरकारी आदमी क्या। ये दुश्मनी भी क्या चीज है, छाती गर्म रखे क्या। बुलाओ उसको पदम दत्त। सेठ पोपटलाल झटकमल जी, हमारा सेठ तो तीर्थ यात्रा पे गया है। काय बुजदिल भाग गया। खैर कोई बात नहीं, सांप को अग्गे से मारो या पीछे से कोई फर्क ना पड़े क्या। लो जी लगाओ लेबल और कब्जा कर लो सारे सामान पर क्या। राक्षस लगता है, लगाओ इसमें लेबल। आप लेबल नहीं लगा सकते हैं, मेहमान करके बाहर निकल जाएंगे। मुनीम, अरे ये छोकरियाँ कौन हैं क्या? या तो सेठ की बेटी और या धर्म पत्नी। बड़ी सुंदर है। अरे मुनीम, इस बुढ़ी लड़की को समझा दे कि सरकारी कामों में दखल ना देवे, नहीं तो इस पे भी लेबल लगा के कब्जा कर लूं क्या। क्या कहा बुढ़े? अरे बुढ़ा जरा टाइम खराब हो गया तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। मगर मैं क्या करूं मुनीम, तू ही समझा नहीं इसे कुछ, तेरी साथ वाला है। अरे थारी यही तो खराबी है। लोहे लोहे को काटे हमें, उठो इंगे लेबल लगाने दो क्या। अरे हाँ तो लगा ले लेबल, अपने क्या है, अपने पास तो अपना घर है। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, हमारे पैसे से खरीदा है हमारा घर। एक लेबल बचा कर रखना, इसके पीछे पीछे जाकर उस घर को भी लगा दो लेबल। अरे पोपटलाल जी, वो घर सेठ जी का नहीं है। मगर ये छोकरी क्या बोले? छोकरी को कुछ भी बोलने दो, इसकी पत्नी है वो। पत्नी है? अब हमारी छाती का वो नीचे उतरा। जिस घर की पत्नी पति का अपमान करे उस घर को लूटना कोई पाप नहीं है क्या। ओ लगा लो लेबल इस फोटो के लिए। नो 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 नो, पोपटलाल जी झटक मल जी, ये मेरे पति की निशानी है, इसी से मेरे पास रहने दो इंडियन। अंग्रेजी में गाली कटे है, निकल जाओ यहाँ से। सेठ पोपटलाल बोल रहे क्या। चलो आंटी, हम भी बाजार से 125 रुपए का पोपट खरीदेंगे और रोज 125 गालियां देंगे उसे। हाँ तो मैं तुम बैठू क्या, मैं भी रोज पूजा के बाद धन प्रसाद की फोटो को 125 जुत्ता मारूं क्या। नहीं सेठ जी नहीं, मेरे पति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मरद के पैसे होगी नहीं बेटा, ये सब मेरे ही कारण हुआ। न मैं मॉडर्न होती, न आज मुसीबत आती। मम्मी कला बेटी कला, अगर आज तेरे पिताजी यहाँ पर होते तो मैं उनकी तरह झुके उनसे माफी मांगती। बेटी मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तेरे पिताजी को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, मगर मेरी अकल पर फैशन का भूत सवार था। बेटी हे पांडनाथ, हे मेरे पांडव। चलो आंटी मेरे घर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो कला बेटा, मैं बर्बाद हो गई।
सेठ जी का करो हो, सब बना बना खेल चौपट हो जाएगा। मुनीम, जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी पत्नी के मुंह से प्यार के शब्द सुने, दिल भरा। आज मुझे ये दोनों गंगा और गोमती की तरह पवित्र नजर आ रहे हैं। थारी सेठ जी, थारी आंखों की बरसात से गंगा और गोमती में तूफान आ गया ना, तो ये दोनों नदियां किनारा तोड़ के बाहर हो जाएंगी, सारा कचरा हो जाएगा खेल का। नहीं, नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा दिल को काबू में रखो। क्या बताऊं, कितना प्यार करता हूं। अरे खामोश, मने कुछ हो क्या, मारा मातम कर रहे हो? और भी तो क्या, थारे नाम का भजन गावे? ये बीट कोडी की चीज न छोड़ू, रख दो सर समान यहाँ पर। अरे हाँ तो ये ले तेरा सामान, पकड़ो ये पोटला। अब सुन ले पोपटलाल, झटका मल। झटका मल नहीं, झटक मल, झटक। हाँ हाँ झटक मल, हम माल दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, लेकिन हम हमारी इज्जत नहीं दे सकते। पशु बेटा पशु, चलो चलो, झटका माल दे सकते हैं, निकल जा जहाँ से। पदम दस्त पक्का तू ये हिटर, मन एक साफ किताब कर ले तारे संग। पशु का है, कौन है? ये मेरी पत्नी है जोरू। कला जरा मुझे पकड़ बैठी। हाँ माँ, हम लोग कहाँ आ गए मम्मी? वो आ गया घर, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। कुछ कुछ चलो गड्ढा है माँ जी। हाँ मम्मी, ये रहा आपका राजमहल और ये सिंहासन, और वो रहा डबल सोफा। ये देखिए बीच में खिड़की भी है हवा के लिए, और ये सोफा का कवर, और ये मदारी का फटा। मम्मी ये हम लोग कहाँ गए? मेरे घर में। घर? ये घर है या तबेला? आज तक तो घर था, अब भेड़ बकरियां आ गई है, तबेला भी हो सकता। ओ या समय से मत लगा बेटी, जो कुछ है सब ठीक। मगर मम्मी ये भी कोई इंसान की रहने की जगह है? अरे तो मैं यहाँ रहता था तो उसका मतलब ये कि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान? अरे तुम तो पशु हो पशु। मुंह संभाल के बात करो, एक तो मैंने मेहरबानी की जो तुम दोनों को यहाँ ले आया, ऊपर से नखरे दिखा दिए। अच्छा तो तुमने भी पोपट की तरह आके फेर ली। पोपट? अरे उस पोपट ने तो तुम लोगों को धक्के मार के निकाल दिया, अब अगर नखरे करेगी ट्विटर करेगी तो मैं भी धक्के मार के आपको निकाल दूंगा। धक्के मार के निकाल दूंगा, जैसे तेरे बाप का राज है। बाप का नहीं, मेरा राज है। चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल गई, अपने आप को पत्थर समझ बेटा। अरे तो जाओ, रोकता कौन है? कला कला, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी, होटल में, क्लब में। मगर बेटी अपने पास एक फूटी कौड़ी नहीं, तन के सिवा कपड़े नहीं, हमें कौन पूछेगा? बहुत है हमारे दो। नहीं बेटी नहीं, उसी वक्त में कोई काम नहीं आता। अरे बहुत आएंगे, बाहर जाओ फुटपाथ पे तमाशे देखो, भीख मांगो, जब ये पता चलेगा सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं है, कुत्ते शेर हो जाएंगे। अरे 24 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा पेट के लिए काका लाइन लगानी पड़ती है। बेटी पशुपति ठीक कहता, चलो चलो अंदर चलो। नहीं, एक बार तुम दोनों फिर से सोच लो, इस घर में रहना है तो काम काज करना पड़ेगा और इसको पति की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ बेटा क्यों नहीं करेगी, ये तो पत्नी का धर्म है। ठीक है, ले जाओ बूट उतारो मेरे। कला जा बेटी जा, मैं उतारती हूँ बेटा। ना पत्नी वो है, तुम सासू माँ। हाँ हाँ जा कला जा जाती हो। मेरी पत्नी मुझे सताएगी तो बाटा के जूते खाएगी, बाटा के जूते। अरे क्या करती है, क्या करती है? अरे 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 बूट उतार पाओ। नहीं नहीं देखा सासू माँ, ये आपकी बेटी की सेवा है, ऐसा लगता है तारा सिंह की पिक्चर में काम करती थी। पाँव तोड़ दिया मेरा, पाँव तोड़ दिया। मर गया, मर गया। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? वो मारती है,
कौन मारती है पत्नी के सास? अरे अभी तो पत्नी मारती है, आगे चलकर सास भी मारेगी। और अरे इतनी थकी धरती को भी होती ना तो वो भी उठकर खड़ी हो गई होती। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है काका। सारी समझ को और मारी समझ में आ गयो यो कहीं है यो डंडो शाबाश। बस जितना सीधा ये है ना उतने सीधा कर देगा। ले और हो जा शुरू। लेकिन काका पुलिस? पति पत्नी का मामला है, इसमें पुलिस तो क्या मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सके। चल जा हो जा शुरू। अच्छा अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाए। क्या कहा? कुत्ता कहा मुझे? क्या करता है? क्या करता? प्रेमना, अच्छा हुआ प्रेमनाथ नहीं बोली। चरण छू छू चरण बोल, हुकुम मानेगी? काम बर्तन झाड़ू तो लगा, झाड़ू लगा मम्मी। अरे इंग्लिश मेरे घर में नहीं चलेगी, वेरी फुल इडियट। माता जी बोल, चल जाके झाड़ू लगा, चला सासुमा कामिया इधर आ गई, आ गई। चलो उठो उठो, खड़ा चलो घर से बाहर निकलो। पर बेटा मैंने आगे क्या गलती की है? मैं कहाँ जाऊँ? जा लो, तुमने अपने पति को बहुत तंग किया है, यहाँ रहोगी तो इसके पति को भी तंग करोगी। नहीं बेटा नहीं, मैं वादा करती हूँ नहीं तंग करोगी। मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई? अरे नींद आएगी तो फिर बंद हो जाएंगी। नहीं मैं नहीं सोऊंगी, रामनाथ बगैर मुझे कैसे नींद आएगी? बेटा मुझे माफ कर दो। ठीक है माफ किया माफ किया। चलो जाओ मटका उठाओ, पानी भरो, चलाओ चलाओ मटका। अरे वाह अरे वाह, अरे मेरे डंडे दो मिनट में दोनों को सीधा कर दिया, लेकिन खुद फट गया। अरे वाह पदम दत्त, यू आर ए फनी गर्ल रियली, आई टेल यू कम ऑन यू आर अ नॉटी बॉय कम ऑन हैव सम ड्रिंक यू कम ऑन कम ऑन टेक इट यू गुड कम ऑन हैव समथिंग। अरे लाली तुम केशव ये क्या चीज है? ये एक मेरी फ्रेंड है, पुरानी दोस्त मिस मिस लिली। लाली लिली लाली और लिली, तुम बहुत कमीनी हो। वाह चोर डाकू को गालियां दे रहा है, आईना दिखाऊं मैडम? अगर थोड़ी बहुत गैरत बाकी है तो आईना तुम खुद देखो, क्योंकि जो कुछ मैंने किया इसका फायदा तो तुम खुद उठा रहे हो। कोई नई बात नहीं, मछली पकड़ने वाले और होते हैं, खाने वाले और। केशव प्लीज डार्लिंग प्लीज गो आउट एंड लीव अस अलोन। हरगिज नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। केशव तुम समझते क्यों नहीं, मैं मां बनने वाली हूं। ये भी खूब रही, क्या मालूम फकीर की झोली में किस किस का पैसा है, कोई नाम थोड़ी लिखा होता है। यू गेट आउट। शट अप केशव, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओके ओके तो तुम यहीं बैठो, हम लोग ऊपर जाते हैं, कम ऑन डार्लिंग। अरे हाँ देखो कोई ऊपर ना आने पाए। थैंक यू केशव। मुसीबत
काम नहीं होता, मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटी? लाली के पास। बेटी ले देखे, तेरे पिताजी का एक नाम ही तो रह गया, उसे बदनाम न कर। नाम रहे या जा, मुझे फैशनेबल सोसाइटी पसंद है और मैं वहीं जा रही हूँ। फैशनेबल सोसाइटी? उस फैशन के पीछे पड़ कर मैंने क्या पाया, अपने प्राण नाथ को खो गई। अब तुम इसी रास्ते पर जा रही है, उसी पत्थर से ठोकर खाने। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मामी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं इस पशु की गुलामी नहीं करूँगी। ये गुलामी नहीं है बेटी, ये तो स्त्री को धारण कर इसी में मुक्ति है बेटी। मुझे इस मुक्ति के मुकाबले में आजादी की ठोकरें ज्यादा मन। कला, ये आजादी नहीं है, जहर है जहर। जब तक सारे शरीर में नफा जब पता नहीं चलता इसका। मम्मी, आज तक तुमने मेरी बात मानी, आज तुम भी मेरा कहना मान जाओ और अपनी माँ का हक लौटा दो। बेटी, मेरा कहना मानकर मत जाओ। मम्मी छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहती। कला, कला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मैं पत्नी के कर्तव्य का पालन तो न कर सकती, लेकिन ममता का हक नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मम्मी, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, ये रास्ता नरक को जाता है। मैं कहती हूँ हट जाए यहाँ से, वरना मैं माँ बेटी के रिश्ते का लिहाज भी नहीं करूँ। अच्छा, तो मैं तो आती हूँ। मम्मी, कैसी हो तुम? घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तलाक का सुनोगे तो दुख होगा तुम्हें। तलाक? कला, कला, हेलो कला, कहाँ जा रही हो? लाली के पास। कहाँ है लाली? लाली, लाली मेरे घर में। आओ बैठो, मैं बताता हूँ। आओ सुनो कला, 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 उसके साथ मत जाओ। गौरी, केशव बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम घर जाना भी आता। आओ अंदर, आओ अंदर, आओ। लाली कहाँ है? लाली, लाली अंदर है। लाली, लाली, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? लाली कहाँ है? लाली, लाली तो तुम्हारे खूबसूरत फोटो पे है जाने मन। अच्छा समझी, तो तू धोखा देकर मुझे यहाँ लाया है। ऐसे हुस्न के लिए तो मैं जमाने भर को धोखा दे सकता हूँ। कमीने, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। अब तुम मुझसे कहाँ बचकर जाओगी ये मैं देखता हूँ। मैं तेरी नीयत उसी वक्त समझ गया था। तेरी माँ की हाथ खींच कर लाई। जलील,
तेरी ये मजाल। बदमाश अमर ठीक हो ना? हाँ भैया। देखा कला, लाली की दोस्ती तुम्हें कितने खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। अगर मैंने आप लोगों की बात पहले ही मान ली होती तो ये शैतान अपने किए की सजा कैसे पाता? भैया, भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है। अरे पत्नी, नादानी को अन्याय कहते हैं? अच्छा हुआ तेरी आंखें जल्दी खुल गई। चल, चल। ये भूल कैसे? कोई पागल लगती है। अरे ये तो लाली लगती है, क्या हुआ इसे? ए, भागो चलो। अरे लाली, तुम जाओ, तुम लोग घर जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूं। लाली तुमने क्या हालत बना रखी, चलो उठो आओ। मेरी पत्नी। क्या हुआ तारी पत्नी को? सासू माँ से पूछो, इन्होंने उसे या तो भगा दिया या कहीं छुपा दिया। कहीं बोल रहे हो पशु? जो जी में आए कहने दो मुनीम जी, अब मुझ में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। करो, छोड़ दो, छोड़ दो मुंशी जी, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुंशी जी, काका छोड़ दो मुझे। आ गई, आ गई, नहीं नहीं तुम मुझे गलत दिलासा दे रहे हो। कला मैं ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, थोड़ी देर तो इंतजार किया होता प्राणा। मैं पाप हूँ, नहीं नहीं नहीं, गलती मैंने की, तुमने क्यों अपने आप पर सजा दी? अरे मैंने तो कितनी उम्मीद थी अगले साल छोकरा देखने की, अरे तो छोकरे से वापिस चले गयो। ये क्या किया तुमने प्राणा, ये क्या किया? जब मैंने आंखें खोली तो तुमने आंखें बंद कर दी, मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए। जब तुम्हें नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगी। पत्नी, आपकी और एक बड़ा तो मैं सच्ची का मर जाऊंगा। अरे मैंने तो उम्मीद होगी छोकरा देखने की, ये तो जिंदा है। मुझे माफ कर। अरे माफ किया, माफ किया। अरे ओ सुंदरी, अरे सुंदरी,
सुंदरी तू वादा करके क्यों नहीं आए क्या? कैसा वादा? अरे शादी का और कैसा? क्यों रे मुनी, वादा तो किया था। झूठ, ये झूठ कहता है नीच कमीने। मैं अभी वादा पूरा करती हूँ। अरे जो वादा किया निभाना पड़ेगा, कभी तुमको आना कभी जाना। अरे राम राम राम। अरे ओहो, अरे प्राण। सुंदरी आज तुम्हारे हाथ से स्नान करके मेरा क्लोजर ठंडा हो गया। आओ बैठे। क्षमा कर दो। अरे मैंने माफ कर दिया, मगर पहले अमर और गौरी से माफी मांग जाता। बेटा मैं तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, बड़ा अन्याय किया मेरे लाल, मुझे माफ कर दो। या क्या करें, माफी तो मुझे मांगनी थी। देखा तुमने, इसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री। पति गिरने लगे तो उसको सहारा देती है और चलने लगे तो उसका साथ देती है। ऐसी स्त्रियों के धन से घर की दुनिया स्वर्ग बनती है। ये है भारत की सच्ची नारी, जिसने गृहस्थ को, समाज को, धर्म को और देश को, सबको नाज। क्यों पदम दास्तर? अरे थारी इतनी लंबी कथा खत्म हो गई। मारो नाम सही नहीं आयो, मैं नाम ही बदली कर दूं। अब पदम दत्त 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 दत्त।